इंसान बनाना भूल
बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऋषिवर दयानंद जी को समर्पित किया और गोकुल आर्य नगर जैसे संस्था में जिन्होंने प्राण डाल दिए और अपना पूरा जीवन उस गुरुकुल को समर्पित किया, आज उनका सम्मान भी यहाँ पर होगा। श्रद्धे पूजे आचार्य रामस्वरूप शास्त्री जी, जिनका बहुत ही आशीर्वाद मुझे बचपन से प्राप्त होता है, और जब गुरुकुल का कार्यक्रम था उस गुरुकुल में आचार्य जी पहले दिन नहीं आए थे तो मुझे इतना अजीब लगा, मुझे मेरा वहां पर बोलने का मन ही नहीं किया, वहां पर आचार्य जी मुझे दिखे नहीं, तो वो गुरुकुल इनके बिना अधूरा है। उस गुरुकुल को इन्होंने अपने प्राण दिए हैं तो मैं आचार्य जी का हृदय की गहराई से सम्मान करती हूँ। ऋषिवर दयानंद जी के अनन्य भक्त आदरणीय श्री राम कुमार आर्य जी, जो बिल्कुल निष्काम भावना से महर्षि दयानंद के शिष्य हैं और जो दिन रात कार्य करते हैं, जो वेद प्रचार मंडल के प्रधान पद पर विराजमान हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय बोदीवाली से आई हैं यशवी जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, जो बहुत कार्य कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। व्याख्यान वेदी पर विराजमान आदरणीय शर्जे दादाजी, जो दिल्ली से हमारे मध्य में पहुंचे हैं, इंद्र सिंह आर्य जी, आदरणीय शर्जे सूबेदार जी, बहुत सुंदर व्याख्यान आप मेरे पश्चात में सुनेंगे। आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर धीरज आर्य जी, भजनों के माध्यम से जो विचार रखेंगे आदरणीय भ्राता मोहित शास्त्री जी,
बड़ी ही कुशलता पूर्वक मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय भ्राता यतीन्द्र आर्य जी, सम्मुख उपस्थित समस्त धर्म के अभिलाषी सज्जनों और जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं कुछ विचार आप लोगों के मध्य में रख सकूं। ये जो भी मेरे अंदर आज सामर्थ्य है, इसको बनाने वाला कोई और नहीं है, वो यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने आर्य नगर के अंदर कभी यज्ञ की अग्नि को बुझने नहीं दिया और जिन्होंने मुझे वो दशा और दिशा दी और इस योग्य बनाया कि मैं कुछ विचार रख सकूं। आदरणीय सज्जन श्री सीताराम आर्य जी वो भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी हृदय की गहराई से सम्मान करती हूँ। सम्मुख उपस्थित समस्त धर्म के अभिलाषी सज्जनों, पूजा एवं वंदना के योग्य मातृशक्ति गुरुकुल से आई हुई मेरी बहने, मैंने नरेश दत्त जी की पंक्तियां आप लोगों के मध्य में सुनाई कि मनुर्भाव का हमें आदेश मिला, हम इंसान बनाना भूल गए और ये शिक्षा चली उल्टी कैसी कि हम वेदों के प्रतिकूल गए। जब आप मस्जिद में जाओगे तो वहां पर आपको सुनने को मिलेगा उनकी पुस्तक ये कहती मिलेगी तुम मुसलमान बनो, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, जब आप चर्च में जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा ईसाई बनो, जब आप मंदिरों में जाएंगे तो वहां पर कहते मिलेंगे तुम हिंदू बनो। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने जो वेद का ज्ञान हमें दिया, केवल और केवल परमपिता परमेश्वर ने ये बात कही, वहां पर ये नहीं कहा परमात्मा ने कि तुम ईसाई बनो, तुम मुसलमान बनो, तुम जैन बनो, तुम पारसी बनो या तुम हिंदू बनो। वहां पर ये बात कही मनोभाव तुम क्या बनो, तुम मनुष्य बनो, तुम मनुष्य बनो। और देखो सबसे ज्यादा स्कोप यदि आज के समय में किसी में है तो वो है मनुष्य बनने की जो कैटेगरी है, जो कोर्स है ना, वो सीट सारी की सारी खाली पड़ी है, वहां पर कोई नहीं है। जब हम महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं और महर्षि दयानंद जब सत्यार्थ प्रकाश का पहला सम्मुल्लास में ईश्वर के नामों की व्याख्या करते हैं और दूसरे ही सम्मुल्लास में महर्षि दयानंद कहीं पर घुसते हैं तो वो हमारे घरों में घुसते हैं और वहां पर ये बात कह देते हैं दूसरे ही सम्मुल्लास में कि तुम्हें अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है। यदि महर्षि दयानंद चाहते तो और बहुत बड़े बड़े विषय ईश्वर दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिए हैं, ये सृष्टि कैसे बनी, मुक्ति कैसे होगी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, सन्यासी को कैसा होना चाहिए, वहां पर अनेक विषय ईश्वर दयानंद ने उठाए। लेकिन ईश्वर को जानने के पश्चात महर्षि दयानंद ने ये हमें कहा कि अपने बच्चों का निर्माण हमें कैसे करना है। आज माता पिता को इस बात का पूरा ध्यान है, हमारे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आज माता पिता को पूरा ध्यान है, हमारे बच्चों को किसी भी चीज का अभाव नहीं होना चाहिए, शरीर पर पसीने की एक बूंद भी नहीं आनी चाहिए, वो सारी सुख सुविधाएं हम उन्हें समय से पहले दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कौन ऐसे माता पिता है जो ऋषिवर दयानंद जी ने संस्कार विधि नामक पुस्तक हमें लिख करके दे दी और बैठ करके ये चिंतन किया कि हाँ हमें अपने बच्चों में संस्कार भी भरने हैं, मनोभाव जनया दैव्यम जन्म, हमें उत्तम संतानों की उत्पत्ति भी करनी है। आज मकान बनाते हैं तो 10-10 नक्शे हम बनाते हैं, कोई कमी ना रह जाए, सब्जी लेने जाते हैं तो गली सड़ी सब्जी ना मिल जाए, गाड़ी लेने जाते हैं तो अच्छे से अच्छी हम गाड़ी लेते हैं। इन बातों पर सबका ध्यान है, जो बहुत छोटी चीजें हैं, जो बहुत गौण है, लेकिन इन बातों पर किसका ध्यान है, जो आपकी वास्तविक संपत्ति है, आपकी संतान है, किसी का ध्यान, किसी का ध्यान नहीं है। वहां पर महर्षि दयानंद गर्भाधान संस्कार का वहां पर वर्णन कर रहे हैं, वो इसीलिए है कि तुम्हें कैसे संतान, किस आत्मा को तुम्हें बुलाना है, उस तरह से पहले माता पिता स्वयं को तैयार करें। और यही बात तो वहां पर कहते हैं रामायण के अंदर, जब भगवान राम लक्ष्मण से पूछते हैं, लक्ष्मण ये बताओ बहुत सुंदर पुष्प हो, पके हुए फल हो और एक यौवन सी स्त्री हो, इन तीनों चीजों को देख करके किस व्यक्ति का मन चलायमान नहीं होता, किसके पैर नहीं डगमगाते, तो वहां पर लक्ष्मण एक ही बात कहते हैं, भैया राम
जिसका पिता पवित्र आचरण वाला और जिसकी माता पतिव्रता है, इन दोनों के संयोग से जो संतान पैदा होती है वो जीवन की किसी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, उस संतान के पैर कभी डगमगाते नहीं है, कभी चलायमान नहीं होते हैं। माँ जीजाबाई ने चाहा तो शिवाजी बना दिया, माता कौशल्या और महाराज दशरथ ने चाहा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बना दिया, माँ यशोदा ने चाहा तो कृष्ण बना दिया। ध्यान रखना, कंस को बनाने वाले भी आप हो, दुर्योधन को बनाने वाले भी आप हो, राम को बनाने वाले भी आप हो और कृष्ण को बनाने वाले भी आप हो। हम अपने बच्चों को ये संदेश दे, बेटे चक्षुते सुंधामी जैसे गुरुकुल का आचार्य देता था, मैं तेरे आंखों में वो पवित्रता भर रहा हूँ। इन आंखों से अपने आम सामने जाने वाली लड़की को, जो उम्र में छोटी है बेटी के समान, बराबर की है बहन के समान और बड़ी है तो माँ की दृष्टि से देखेगा। वाचन के सुंधामी अपनी वाणी से पवित्र बोलेगा, मैं इतना पवित्र तेरी वाणी को कर रहा हूँ। श्रोत्रम के सुंधामी, मैं तेरे कानों में वो पवित्रता भर रहा हूँ। किन कानों से? केवल बढ़िया बढ़िया सुनेगा, कभी बुरा नहीं सुनेगा। इसीलिए आचार्य धर्मवीर जी ये बात कहा करते थे, प्रोकार्दी वाले अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हो वो बनते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हो वो बनते हैं, प्रोफेसर बनाना चाहते हो वो बनते हैं, लेकिन कभी आपने उनको चरित्र की शिक्षा नहीं दी, कभी आपने उनको इंसान बनाने का उपदेश ही नहीं दिया, कभी आपने उनके अंदर संस्कार भरने की बात ही नहीं की। इसीलिए पांच पांच साल की लड़कियों की अस्मिता तार तार हो जाती है। किस कारण? केवल और केवल मनुष्यता ना होने से, केवल और केवल संस्कारहीनता से।